देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप जारी है। हालांकि नए मामलों की संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन मौत अभी भी बड़ी संख्या में हो रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 62,224 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 2,542 लोगों की मौत हो गई है। जानिए देश में कोरोना की ताजा स्थिति क्या है। कुल केस 2,96,33,105, कुल डिस्चार्ज 2,83,88,100, कुल मौतें 3,79,573, कुल एक्टिव केस 8,65,432, कुल टीकाकरण 26,19,72,014। बता दें कि देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 28,458 वैक्सीन लगाई गई है, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 26,19,72,014 हो गया है। वहीं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया है कि भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 19,30,987 सैंपल टेस्ट किए गए हैं, जिसके बाद कल तक कुल 38,33,06,971 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि देश में अब रिकवरी रेट बढ़कर 95.80% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट भी 5% से कम होकर वर्तमान में 4.17% है। मंत्रालय ने बताया है कि दैनिक पॉजिटिविटी रेट 3.22% है, जो लगातार 9वें दिन से 5% से कम है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।